नमस्कार। ये सवाल बहुत पहले पूछा जाना चाहिए था, वक्त वक्त पर लोग पूछते भी रहे हैं, हम भी आज पूछ रहे हैं और बहुत सारे और लोग भी पूछ रहे होंगे कि हमारा जो मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स पॉलिटिक्स में है, यानी हमारे नेता, उसके बाद जो और मुख्तलिफ ओहदों पर जाते हैं, क्या वो इस काबिल हैं? क्या वो बेस्ट हैं, हमारे बेहतरीन हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, सर्वोत्तम हैं जो राजनीति में जाते हैं? हमें नहीं लगता। अब देखिए, छोटी सी बात है कि जो गवर्नर होता है किसी राज्य का, वो राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है। राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम किसी पार्टी से नहीं थे, लेकिन परंपरा रही है कि पार्टियों के लोग ही जो वरिष्ठ हो जाते हैं उनको राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो उसी तरह गवर्नर जो होता है एक राज्य का, वो भी किसी पार्टी का नहीं होता, वो राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है। उसे बिना किसी भेदभाव के, किसी खास पार्टी विशेष जहां से वो आया हो, उसे बिना किसी भेदभाव के राष्ट्रपति का नुमाइंदा बनकर जनता का काम करना है। जो चुनी हुई सरकार है किसी पार्टी की, उसके काम पर निगाह रखनी है, वो राष्ट्रपति का नुमाइंदा है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ, इसलिए मैंने सवाल उठाया कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मानव संसाधन है, उसमें क्या इतनी काबिलियत है, क्या वो इतनी क्वालिटी है, इतनी गुणवत्ता है कि वो इन दो बातों को अलग अलग निगाह से देख पाए कि भाई जब मैं चीफ मिनिस्टर था, मुख्यमंत्री था, मैं एक खास पार्टी का नुमाइंदा था, मुझे एक पार्टी ने टिकट दिया, मैं चुनाव लड़ा, जनता ने चुना, मैं जीत गया, मैं मुख्यमंत्री बना। लेकिन जब मुझे गवर्नर अपॉइंट किया गया किसी राज्य का, तो मेरा उस पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं राष्ट्रपति का नुमाइंदा हूं। समझते तो हैं लोग इस बात को, लेकिन परवाह नहीं करते। और ये वो लोग हैं जो परवाह नहीं करते, जिन्हें संस्थाओं की कद्र नहीं है। मैं जिक्र कर रहा हूं कल्याण सिंह का। कल्याण सिंह राजस्थान के गवर्नर हैं। कल्याण सिंह ने बिल्कुल बेशर्मी से कहा, एक बयान दिया है, और उसमें यह कहा है कि नरेंद्र मोदी को, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को चुनना देश के लिए बहुत जरूरी है। गवर्नर हैं ये, राज्यपाल हैं ये, इनका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिस पार्टी को छोड़कर आए हैं उससे बाद कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। लेकिन इनका कहना है, एंड आई कोट, वी आर ऑल BJP वर्कर्स, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एंड वी वॉन्ट द BJP टू इमर्ज विक्टोरियस, और हम चाहते हैं कि BJP की जीत हो। वी वॉन्ट दैट वंस अगेन मोदी जी शुड बिकम द PM, हम चाहते हैं कि मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री, ये देश के लिए ज़रूरी है, ये कल्याण सिंह ने अलीगढ़ में कहा है। अब आप अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो आप राज्यपाल की कुर्सी पर क्यों बैठे हैं, गवर्नर क्यों बने बैठे हैं, इस्तीफा क्यों नहीं दे देते आप? अब यही जो BJP के प्रति अपना प्यार दिखा रहे हैं, कल्याण सिंह हैं कौन? कल्याण सिंह वो हैं जिन्होंने बार बार UP असेंबली में, जब वो मुख्यमंत्री थे, यकीन दिलाया कि बाबरी मस्जिद के ढांचे को कुछ नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया, ठीक है, कि कुछ नहीं होगा बाबरी मस्जिद के ढांचे को। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बावजूद, ठीक है, 4 पॉइंट का एफिडेविट था वो सुप्रीम कोर्ट में, और ये भी वादा किया कि एक बहुत सांकेतिक किस्म की कार सेवा की जाएगी। लेकिन सब जानते हैं कि इनके मुख्यमंत्री रहते बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा टूटा। उससे पहले रथ यात्रा हुई थी अडवाणी की, बिल्कुल समाज में दरार डालने के लिए, नफरत के बीज बोने के लिए, जिसका कल्मिनेशन ये हो चुका था, हुआ बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने में। उसके बाद देखिए BJP से इनका प्यार देखिए। बाबरी मस्जिद के ढांचे के गिरने के कुछ घंटे बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से, लेकिन 1997 से लेकर 99 तक फिर ये चीफ मिनिस्टर बने। BJP छोड़ दी 1999 में, लेकिन 2004 में फिर ज्वाइन कर ली। फिर 2009 में फिर BJP छोड़ी इन्होंने और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन 2010 में एक अपनी पार्टी बनाई, जन क्रांति पार्टी, लेकिन उस पार्टी को 2013 में खत्म करके वापस BJP में लौट आए और गवर्नर बन गए राजस्थान के। 2012 में इन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली कि जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था, जिसकी वजह से हमारे समाज में दरार पड़ी है, उसकी वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं,
उसके लिए खुद को जिम्मेदार माना क्योंकि राजनीतिक सेहरा अपने सर बांधना था। ये अकेले राज्यपाल नहीं है, तथागत रॉय, ठीक है, एक ये भी राज्यपाल हैं, ये त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है कि मुझे भारतीय सेना के कर्नल का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि कश्मीर मत जाएं सैलानी, अमरनाथ भी ना जाएं 2 साल के लिए, और कश्मीरियों के एम्पोरियम या दुकानें होती हैं उससे सामान ना खरीदें, ना जो कश्मीरी आते हैं शॉल वगैरह बेचने के लिए उनका सामान खरीदें। बायकॉट एवरी कश्मीरी, आई एम इंक्लाइन टू एग्री, कश्मीरियों का बहिष्कार करो, मैं इनसे सहमत हूँ। अब आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं या गवर्नर हैं, ज़रा सोचिए। दरअसल ये सिर्फ दो इकलौते नहीं है, परंपरा 1952 से शुरू हो गई थी जब कांग्रेस का राज था, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, मद्रास में हुआ था जब गवर्नर श्री प्रकाश ने सी राजगोपालाचारी को कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने का न्योता दिया था, ये जानते हुए कि सी राजगोपालाचारी जो हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वो सदस्य नहीं हैं, चुने हुए नहीं हैं। उसके बाद केरल में 1959 में पंडित नेहरू के कहने पर एक पूरी की पूरी चुनी हुई सरकार बर्खास्त की गई, फिर वेस्ट बंगाल 1967 में धर्मवीरा एक गवर्नर हुआ करते थे, जैसे वो अंग्रेजों के जाने के बाद एक परंपरा चली कि जो चंद्र है वो चंद्रा लिखने लगे, तो वीर जो है धर्मवीर वीरा लिखने लगे। बहरहाल गवर्नर धर्मवीर वीरा ने सरकार को डिसमिस किया, अजय मुखर्जी की सरकार को, और पीसी घोष की सरकार को शपथ दिलाई, वो कांग्रेस ने समर्थन दिया था उसको। 1970 ही में बंगाल में ही में 3 साल बाद एक बार फिर गवर्नर की जो ओहदा है उसका गलत इस्तेमाल हुआ। अजय घोष जो यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी उनका इस्तीफा ले लिया गया और ज्योति बासु ने अपना दावा पेश किया, लेकिन उनको मौका नहीं दिया शांति स्वरूप धवन ने जो गवर्नर थे, और प्रेसिडेंट का रूल लगा दिया। 1982 में हरियाणा में गणपत राव देवजी तपासे थे, उन्होंने चौधरी देवीलाल और बीजेपी की जो कोलिशन थी उनके नंबर थे उनको मौका नहीं दिया, चौधरी भजन लाल को मौका दिया। आंध्र प्रदेश में 1984 में एनटी रामाराव जब चुने गए तो वो दिल की अपनी सर्जरी करवाने के लिए विदेश गए थे, तो उनके जो डेप्यूटी थे क्या नाम था उनका, भास्कर राव, उन्होंने पार्टी को तोड़ दिया, और उस वक्त जो गवर्नर रामलाल थे हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे थे उन्होंने उनको शपथ दिलवा दी। रामलाल कांग्रेसी थे। कर्नाटक में गवर्नर पी वेंकट सुब्बैया ने एसआर बोमई को मुख्यमंत्री पद का जो ओहदे का जो दावा था उसको मंजूर नहीं किया, हालांकि बोमई ने पूरी लिस्ट दे दी थी। 1994 गोवा, गवर्नर भानु प्रताप सिंह ने विल्फ्रेड डिसूजा की सरकार को बर्खास्त किया और रवि नायक को मुख्यमंत्री बना दिया केंद्र से बिना सलाह लिए। गुजरात 1996, चीफ मिनिस्टर सुरेश मेहता थे, उन्होंने शंकर सिंह वाघेला का बगावत झेली, हजूरिया खजूरिया ये दो एक्सप्रेशन सामने आए थे तब, एमएलएस को शंकर सिंह वाघेला ले गए थे खजुराहो तो वो खजूरिया कहलाए, और जो बाकी के एमएलए थे उनको हजूरिया कहा गया जी हजूरी करने के लिए। माफ कीजिए दिल्ली की पोल्यूशन है, गला थोड़ा खराब है। बहरहाल गुजरात का मैंने आपको बता दिया। 1997 पर आ जाइए आप, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की ही सरकार थी और मेजॉरिटी उसकी खत्म हो गई थी और लोकतांत्रिक कांग्रेस जनता दल एमएलए ने सपोर्ट वापस ले लिया था। रमेश भंडारी ने एकदम सरकार को बर्खास्त कर दिया और लोकतांत्रिक कांग्रेस के जगदम्बिका पाल को नया मुख्यमंत्री बना दिया। जगदम्बिका पाल 3 दिन के भीतर भीतर 3 दिन ही रहे वो मुख्यमंत्री, वैसे हमारे हिसाब से तो वो 1.5 दिन रहे, उन्हें 1.5 दिन का सुल्तान भी कहा गया, और क्योंकि अदालत ने कल्याण सिंह को बहाल किया, वही जगदम्बिका पाल अब बीजेपी में है। बिहार में आ जाइए, 2005 में बिहार ने गवर्नर बूटा सिंह ने अपने ओहदे का दुरुपयोग किया और एनडीए की सरकार नहीं बनने दी। झारखंड में 2005 में सैयद सिप्त रजी ने अपने ओहदे का इस्तेमाल किया और शिबू सोरेन को नया चीफ मिनिस्टर बना दिया, जबकि एनडीए कह रही थी कि उसके पास 41 MLA हैं 80 MLA के असेंबली में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब फ्लोर टेस्ट किया तो शिबू सोरेन हार गए, अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया गया। कर्नाटक 2010, बी एस येदियुरप्पा
और वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। गवर्नर हंसराज भारद्वाज थे उस वक्त, उत्तराखंड 2016, तब ये प्रधान सेवक मोदी का राज था। और 2009 कांग्रेस एमएलए, 26 बीजेपी एमएलए, उन्होंने हरीश रावत की जो सरकार थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, उसको उसके खिलाफ बगावत कर दी। उसके बाद जो रेबेल एमएलए थे, जो बगावत जिन्होंने की थी, वो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। गवर्नर के पॉल, उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट रूल लगाने की इजाज़त मांगी, लेकिन झारखंड उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज के एम जोसेफ ने प्रेसिडेंट रूल को हटा दिया और रावत ने, हरीश रावत ने अपनी मेजॉरिटी साबित कर दी। अरुणाचल प्रदेश 2016, गोवा 2017, मृदुला सिन्हा जाके गवर्नर, कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सीटें आई थी, बावजूद उसके उन्होंने अरुण जेटली से संबंध किया, उनकी सलाह ली। हालांकि गवर्नर का कोई मतलब नहीं बनता कि किसी मंत्री से सलाह ले, वो राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है। बहरहाल 2017 में बिहार, ऐसे अनगिनत केसेस हैं। लेकिन ये तो कमाल हो गया है कि कल्याण सिंह सरेआम कह रहे हैं कि हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। एक शेर याद आ रहा है जो इन पर भी लागू होता है, गवर्नरों पर भी जो अपने ओहदे का सही इस्तेमाल नहीं करते, और मुख्यमंत्रियों पर भी, और केंद्र की सरकार पर भी जो निकम्मे निकलते हैं, नाकारा निकलते हैं, जो संविधान की मर्यादा नहीं रखते। शेर उनके लिए है, कुर्सी है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, या गलत करने से पहले उतर क्यों नहीं जाते। सितंबर सन 1990 भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन माना जाएगा जब नफरत के बीज बोने की शुरुआत हुई। नफरत के बीज तो खैर बहुत पहले बोए जा चुके थे, लेकिन जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ नफरत के बीज, खासकर मुसलमानों के खिलाफ, एलके अडवाणी ने अपनी रथ यात्रा शुरू की। उस वक्त बहुत लोगों ने उनको रोका, रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी सत्ता के मद में, सत्ता के अहंकार में इतना चूर थे, किसी की नहीं सुनी। अगर आप नक्शे पर देखें अडवाणी की रथ यात्रा जो सोमनाथ से शुरू हुई और अपने पीछे फिरका परस्ती का, ये टोयोटा रथ था, एयर कंडीशनड एक, जब ये रथ चला सोमनाथ से तो अपने पीछे फिरका परस्ती का जहरीला काला धुआं छोड़ता गया, जिसने हमारे समाज का मुंह काला कर दिया और अभी तक काला किया हुआ है। और उसके बाद जो आज हो रहा है, ये वही बीज हैं जिसकी खेती आज मौजूदा नेता काट रहे हैं, खासकर मुसलमानों के खिलाफ। मैं आपको बता दूं, इस वक्त जिस तरह से अडवाणी को बाहर कर दिया गया है, एकदम दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंका गया है उनके अपने ही चेलों द्वारा, इसको कहते हैं कर्म। कौन जानता है कि पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा, कौन जानता है कि पिछला जन्म था या नहीं था, जो होता है इसी जन्म में सजा मिल जाती है। कुछ लोग जीते जी वेजिटेबल बन जाते हैं, कुछ लोग वेंटिलेटर पर पड़े रहते हैं, कुछ लोग जीते जी दुनिया छोड़ जाते हैं, कुछ लोग जीते जी छोटी उम्र के होते हुए भी जिस्म से मजबूर हो जाते हैं। बहरहाल मैं आपको अडवाणी की रथ यात्रा का बताता हूँ कि जहां जहां से वे निकली उसने क्या किया। वडोदरा में दंगे हुए, दो लोग मारे गए, भरूच में एक आदमी मारा गया, बिदार में 7 लोग मारे गए, हैदराबाद में 30 लोग मारे गए, रामनगरम में 2 लोग मारे गए, बेंगलोर और उसके करीबी इलाकों में 30 लोग मारे गए। ये सब सांप्रदायिक दंगे थे, जहां जहां राम रथ यात्रा निकली राम के नाम पर। दावणगेरे में 1 शख्स मारा गया, इंदौर में 12 लोग मारे गए, जयपुर में 37 लोग मारे गए, बिजनौर में 58 लोग मारे गए, मेरठ में 7 लोग मारे गए, रामपुर में 3 लोग मारे गए, अलीगढ़ में 3 लोग मारे गए, लखनऊ 3 लोग मारे गए, कर्नलगंज में 37 लोग मारे गए, पटना में 4 लोग मारे गए, हावड़ा और पुरुलिया में 12 लोग मारे गए। ये लालू यादव थे जिन्होंने अडवाणी के रामरथ को रोका आसनसोल, धनबाद और आसनसोल के बीच में, और उनको माता टीला नाम के एक गेस्ट हाउस में कैद कर लिया गया। इस वक्त अडवाणी को अपने किए की सजा मिल रही है। लोग चाहे जितना आंसू बहाएं कि उनके साथ सही नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने कौन सा ठीक किया, पूरे समाज को बांट कर रख दिया। नफरत के ये बीज उन्हीं के बोए हुए हैं। अडवाणी जी, आपके हाथों में, और आपके जो सक्सेसर्स हैं जिन्होंने आपसे सत्ता छीन ली है पार्टी में, आपके और उनके हाथों पर दंगों का खून है। हम जितने मासूम बच्चे, औरतें, आदमी
इन दंगों में मारे गए आपकी यात्रा के, या सन 84 के दंगों में, या सन 2002 के दंगों में, जिस धर्म के भी हों, हम उनकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं। और अडवाणी जी, आपको आपकी किए की सजा मिल रही है। नमस्कार। HW न्यूज पर आप मुझे लगातार देखते आ रहे हैं द विनोद दुआ शो में। अब आप मुझे एंड्रॉयड और आईफोन पर भी देख सकते हैं HW न्यूज का फ्री ऐप डाउनलोड करके। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए HW न्यूज का फ्री ऐप और मुझसे जुड़े रहिए।